प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे राष्ट्र संघ की। देखिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के बाद में विश्व के अंदर एक ऐसी संस्था की जरूरत पड़ी जो क्या करे, शांति स्थापित करे और विश्व के राजनीतिक हितों की, जो विश्व के अंदर प्रमुख देश थे उनके राजनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता पड़ी जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जानते। देखिए, राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति की स्थापना के लिए जर्मनी के समक्ष 14 सूत्री योजना रखी। वुड्रो विल्सन का 14वां सूत्र विश्व में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को वर्साय की संधि की गई। वर्साय की संधि की इस संधि की प्रथम 26 धाराएं राष्ट्र संघ से संबंधित है। इस संधि की प्रथम 26 धाराएं राष्ट्र संघ से संबंधित है। वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता में एक समिति समिति गठित की गई जिसमें ब्रिटेन के लॉर्ड सेंसिल और फिलिमोर तथा अफ्रीका फिलिमोर तथा अफ्रीका का प्रधानमंत्री जनरल इस्मट इसके क्या थे, सदस्य थे।
28 अप्रैल 1919 को राष्ट्रसंघ का संविधान है, संविधान स्वीकृत किया गया, जिसके अंदर 26 धाराएं तथा 4000 सब थे। इसका मुख्यालय जिनेवा रखा गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड है, इसका मुख्यालय यहां पर रखा गया। देखें, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ, देखिए राष्ट्रसंघ के बारे में अपन बात करते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। 8 जनवरी 1918 को अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने विश्व की शांति के लिए जर्मनी के समक्ष 14 सूत्री योजना रखी। वुड्रो विल्सन का 14वां सूत्र है, ये विश्व शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना करना था। जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को वर्साय की संधि की गई। इस संधि की प्रथम धाराएं 26 धाराएं जो किससे संबंधित थी, राष्ट्रसंघ से संबंधित थी। वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके अंदर ब्रिटेन के लॉर्ड सेल्सिल और फिलीमोर तथा अफ्रीका का प्रधानमंत्री जनरल स्मट आदि क्या थे, इसके सदस्य थे। 28 अप्रैल 1919 को राष्ट्रसंघ का संविधान स्वीकृत किया गया जिसके अंदर कितनी धाराएं थी, 26 धाराएं थी और 4000 शब्द थे। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ रखा गया, स्विट्जरलैंड का जिनेवा है, यह रखा गया। आगे देखिए, आगे देखेंगे राष्ट्रसंघ की स्थापना है, यह है 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 को प्रथम बैठक, प्रथम बैठक 16 जनवरी 1920 राष्ट्रसंघ और राष्ट्रसंघ समाप्त है। यह हुआ 20 अप्रैल 1946 और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राष्ट्रसंघ इतिहास का प्रथम, इतिहास का विश्व में प्रथम औपचारिक संगठन था। विल्सन, वुड्रो विल्सन, विल्सन ने राष्ट्रसंघ के बारे में कहा, एक जीवित वस्तु पैदा हुई है, पैदा हुई है। राष्ट्रसंघ का स्वरूप, राष्ट्रसंघ का स्वरूप, इसके तीन प्रधान अंग थे, तीन प्रधान अंग थे, सभा, परिषद और सचिवालय। इसके अलावा दो स्वायत्त अंग थे, दो स्वायत्त अंग थे, एक है
अंतरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय PCIJ और दूसरा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, ये स्वायत्त थे। राष्ट्र संघ का जनक वुड्रो विल्सन था, जनक है अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। राष्ट्र संघ को 1919 का शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इसकी संरचना, राष्ट्र संघ की क्या देख रहे हैं साहब, संरचना। इसके मूल सदस्य कितने थे, 42। राष्ट्र संघ की सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा 2/3 की सर्वसहमति से कोई राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी 1926, रूस 1934 राष्ट्र संघ के क्या बन गए, सदस्य बन गए, राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए। आगे देखिए, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई, प्रथम बैठक 16 जनवरी 1920 को, राष्ट्र संघ का समापन 20 अप्रैल 1946 को, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ का इतिहास, विश्व में प्रथम औपचारिक संगठन राष्ट्र संघ है, यह इतिहास का प्रथम औपचारिक संगठन था। विल्सन जो है यह राष्ट्र संघ के बारे में कहता है, एक जीवित चीज पैदा हुई है। राष्ट्र संघ का स्वरूप जो है ये देखिए, 3 प्रधान अंग थे इसके, सभा, परिषद और सचिवालय, और 2 स्वायत्त अंग थे, एक तो अंतरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय जिसे PCIJ कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जनक देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन है, राष्ट्र संघ का कौन है, वुड्रो विल्सन। राष्ट्र संघ को 1919 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब संरचना देखिए, मूल सदस्य कितने थे, 42 सदस्य। राष्ट्र संघ की सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा परिषद की सर्वसहमति से कोई राष्ट्र इसका सदस्य बन सकता था। जर्मनी 1926 में, रूस 1934 के अंदर इसके सदस्य बने। आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन तो, रूस को फिनलैंड पर आक्रमण करने के कारण, उन्नीस सौ उनचालीस को राष्ट्र संघ से इसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ को सर्वाधिक धनराशि, राष्ट्र संघ को सर्वाधिक धन है, यह है
ब्रिटेन देता था। इसकी कार्यकारी भाषा जो थी यह अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश थी। नेक्स्ट देखिए अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन November 15, 1920 जिनेवा में हुआ। अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में होते थे। सभा का अंतिम अधिवेशन बीस अप्रैल 1946 को हुआ। इसमें 34 सदस्यों ने सर्वसहमति से राष्ट्रसंघ का विघटन का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए सभा का कार्य देखिए। सभा का कार्य निर्वाचन संबंधी काम देखेंगे। इसका सभा है प्रत्येक वर्ष परिषद के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन करती थी। परिषद की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का निर्वाचन करती थी। नए सदस्यों को सभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रवेश करते। स्थायी सदस्य देखिए पांच थे, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। अस्थायी सदस्य चार थे, तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते थे। और प्रथम अस्थायी सदस्य देखिए बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस, और स्पेन। देखिए भी रूस को फिनलैंड पर आक्रमण करने के कारण 1939 में राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया।
सर्वाधिक धन कौन देता था राष्ट्र संघ को? ब्रिटेन। कार्यकारी भाषा क्या थी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। अधिवेशन देखिए, प्रथम अधिवेशन है ये 15 नवंबर 1920 जिनेवा में हुआ। अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर माह में होता था। सभा का अंतिम अधिवेशन 20 अप्रैल 1946 को हुआ। इसके अंदर 34 सदस्यों ने सर्वसहमति से राष्ट्र संघ का विघटन करने का प्रस्ताव पारित किया। अब देखिए राष्ट्र संघ की सभा के कार्य। सभा प्रत्येक वर्ष परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करती थी। परिषद की सहमति से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों का निर्वाचन करती थी। नए सदस्यों को सभा में 2/3 बहुमत से प्रवेश करने का अधिकार था। यानी 2/3 बहुमत सभा है, सभा के 2/3 बहुमत से नए सदस्य को प्रवेश दिया जाता था। स्थायी सदस्य कितने थे? 5 थे, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। अस्थायी सदस्य 4 थे। अस्थायी सदस्य 4, ये प्रथम अस्थायी सदस्य हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता था। अस्थायी सदस्यों का प्रथम जो 4 अस्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं? बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और स्पेन। बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और स्पेन, ये प्रथम 4 अस्थायी सदस्य हैं। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे राष्ट्र संघ का सचिवालय। सचिवालय जिनेवा के अंदर था और इसका अध्यक्ष महासचिव कहलाता था। अध्यक्ष होता था, इसे क्या कहते थे? महासचिव कहते थे। प्रथम महासचिव सर जेम्स एरिक ड्रूमंड 1920 से 33 ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का। इसके बाद दूसरा जो था ये था जोसेफ एवनल, ये फ्रांस का 1933 से 40। और तीसरा जो था सिन लेस्टर आयरलैंड का था 1940 से 46। ये 3 महासचिव रहे सचिवालय के अंदर। अब देखिए राष्ट्र संघ के स्वायत्त अंग। अब स्वायत्त अंगों की बात करेंगे। राष्ट्र संघ के स्वायत्त अंग एक है अंतरराष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय PCIJ, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण समाधान हेतु, अंतरराष्ट्रीय विवादों के लिए। इसकी स्थापना 15 फरवरी 1922 को। प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सॉरी प्रथम प्रथम मुख्य न्यायाधीश डच निवासी था बर्नार्ड सी जे लोडर। बर्नार्ड सी जे लोडर डच निवासी था। बर्नार्ड सी जे लोडर कहां का निवासी था? डच निवासी था। मुख्यालय हेग था साहब, मुख्यालय कहां पर था?
हेग के अंदर था। प्रारंभ में ग्यारह न्यायाधीश थे, बाद में बढ़ाकर इनकी संख्या 15 कर दी गई। न्यायाधीशों का निर्वाचन है, यह सभा व परिषद दोनों अपनी पृथक पृथक बैठक में करते पृथक पृथक बैठक में करते न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष। देखिए सचिवालय कहां पर था, जिनेवा के अंदर। अध्यक्ष को क्या कहते थे, महासचिव। प्रथम महासचिव है ये सर जेम्स एट्रिक ड्रमंड था, ब्रिटेन का 1920 से 33। दूसरा जो था जोसेफ एन एवनल था, फ्रांस का 1933 से 40। तीसरा था सीन लेस्टर, आयरलैंड का था 1940 से 46। स्वायत्त अंग देखे सचिवालय राष्ट्र संघ के स्वायत्त अंग है ये। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे PCIJ कहते थे, ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद देखता था। 15 फरवरी 1922 को स्थापना हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का बर्नार्ड सीजे लोडर था, डच निवासी था। इसका मुख्यालय कहां पर था, हेग था। प्रारंभ में इसके अंदर 11 न्यायाधीश थे, बाद में बढ़ाकर के कितने कर दिए थे, 15 कर दिए थे। न्यायाधीशों का निर्वाचन है सभा और परिषद की दोनों बैठकों में पृथक बहुमत से किया जाता था। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का रहता था, 9 वर्ष का रहता था। कार्यकाल 9 वर्ष का रहता था। अब है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। प्रथम निदेशक किसके थे, अल्बर्ट थॉमस। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था कौन, अमेरिका। इंपॉर्टेंट बात है, परंतु ILO का सदस्य था। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद इसका मुख्यालय जिनेवा से मॉन्ट्रियल यानी कनाडा ले जाया गया। नेक्स्ट देखिए राष्ट्र संघ के बारे में, नॉर्मन
बेंटविच ने कहा बदनाम माता की बदनाम पुत्री, बदनाम माता की बदनाम पुत्री यूएनओ को, सॉरी यूएन को कहा। जापान द्वारा 1931 में मंचूरिया पर अधिकार असफलता, देखिए इसकी असफलता, जापान द्वारा 1931 में मंचूरिया पर अधिकार चीन इस मुद्दे को राष्ट्रसंघ में ले गया, लेकिन राष्ट्रसंघ असफल रहा। लेनिन ने राष्ट्रसंघ को पूंजीवाद का हथियार कहा। उन्नीस में इटली के द्वारा यूथोपिया पर अधिकार अधिकार कर लिया गया, और इस मामले में भी राष्ट्रसंघ कमजोर सिद्ध हुआ, और यही कारण रहे कि राष्ट्रसंघ का पतन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, आईएलओ है, इसका प्रथम निदेशक अल्बर्ट थॉमस था। राष्ट्रसंघ का सदस्य कौन नहीं था? अमेरिका, परंतु आईएलओ का सदस्य था। दूसरा, विश्व युद्ध प्रारंभ होने के बाद मुख्यालय राष्ट्रसंघ का जिनेवा से कहां ले जाया गया? मॉन्ट्रियल, कनाडा ले जाया गया। नॉर्मन बेंटविच ने कहा वर्साय की संधि से उत्पन्न बदनाम माता की बदनाम पुत्री किसे कहा? राष्ट्रसंघ को कहा। राष्ट्रसंघ की असफलता देखिए, जापान ने 1931 में मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, इस मुद्दे को चीन राष्ट्रसंघ में लेकर गया, लेकिन राष्ट्रसंघ असफल रहा। लेनिन ने कहा राष्ट्रसंघ के बारे में, राष्ट्रसंघ को पूंजीवाद का हथियार कहा। 1935 में इटली ने किस पर अधिकार कर लिया? यूथोपिया पर अधिकार कर लिया, और राष्ट्रसंघ कुछ नहीं कर सका। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी राष्ट्र संघ के बारे में। इसके बाद में अपन बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। धन्यवाद।